आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा के दस्तखान के साथ में हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी कमेंट्स दीजिएगा, शुरू से आकर तक पूरी वीडियो देखिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी लौकी। तो उसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लें। मैंने लौकी ली है एक पाव, मैंने डेढ़ पाव मैंने लौकी ली है। उसको मैंने धो के छील के और इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है। स्लाइसेस में मोटा भी काट सकते हैं आप इसको। और मैंने इसमें कैरी लिए 2 टेबलस्पून भर के, इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है 2 टेबलस्पून की जितनी मैंने इसमें कैरी ली है। इसमें जीरा लिया है आधा चाय का चम्मच, कलौंजी लिए 1/4 टीस्पून और आधा चाय का चम्मच, इसमें सौंफ लिए आधा चाय का चम्मच, इसमें हल्दी लिए, नमक आधा चाय का चम्मच लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच लिया है, थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी ली है, राई ली है मैंने 1/4 टीस्पून की जितनी, एक कड़ी पत्ते का ये लिया है मैंने, और 4 मैंने इसके अंदर साबुत गोल लाल मिर्च ली है, और ऑयल लिया है 1/2 कप मैंने, इसके अंदर 1/2 कप से कम ही लिया है थोड़ा सा, 4 टेबलस्पून के जितना हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश के लिए आखिर में डालेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। इसके अंदर हम थोड़े से मेथी दाने के चंद दाने डालेंगे। ऑयल लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के जितना और इसके अंदर मेथी दाने के दाने डालेंगे इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ये लौकी भी डाल दूंगी और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, लौकी खानी चाहिए गर्मियों में, हल्का सा ये कड़कड़ाने लगेगी तो मैं इसमें लौकी और ये तमाम मसाले डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने लौकी डाल दिए और ये इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये मसाले भी डाल दूँगी सारे कड़ी। अच्छा, इसको मैंने लो फ्लेम पे, हमें स्लो आंच पे इस पर हमें रखनी है और इसको 10 से 15 मिनट में थोड़ी गल जाएगी, फिर मैं इसके अंदर कैरी डालूंगी। अच्छा, ये हो गया है तकरीबन, इसके अंदर हमने ये कैरी डाल देना है और इसको 5 मिनट से पकाना है और बस ये रेडी है। फिर हरा धनिया हरी मिर्च से मैं इसको गार्निश करूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा, इसके जब उसको पकाते हुए अगर इसके अंदर पानी नहीं हो तो 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रखेंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगी आराम से। अच्छा, ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, ज़िंदगी रही तो इन नई डिश के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।